हाय मॉम, यहाँ देखो तो जरा। कोई भी माँ अपने बेटे के लिए कोई हैंडे के भाव नहीं लेकर आएगी। और हो सकता तुमको डांस करने चोकोस आप सोच रहे हैं चोकोस मैं तो रजी नहीं गाता। हाँ, वैसे करें। क्या करेंगे, अल्लाह ही खैर करे और सबकी हिफाजत करे जैसा ये कोरोना से। आपसे विदा लेता हूं और मैं निकलता हूं। लेट हो रहा है। की थोड़ी सी क्लिप ऐड करूंगी जो आपके फैयाज भाई गए थे। और मेरी इंग्लिश टूटी फूटी सुनने से आपको तो बहुत तो इसका इसाले सवाब आपके बेटे को और आपकी फैमिली को जरूर मिले। मेरे ससुराल भी लाला सुपारे में है। बड़ा जबरदस्त बिरयानी बनी थी मेरी और मैं जितना कम बनाती हूँ उतना। लेडीज मेकअप करती है बट जेंट्स भी करते हैं। तो देखिए अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब। हेलो एवरीवन, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बट व्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है, आज पहली बार मेरा वीडियो क्लिक किया और अंदर आए, तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरे शेयर कर देना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि मैं आ गई हूँ। तो आपको फटाफट वीडियो खोलना है और मुझे देखना है आपकी मदीना सिस्टर को। बाकी तो आज है, आज क्या है फज्जू, मुझे याद भी नहीं है, मैं भूल गई क्या है। आज जुमेरात है, बुध है, वेडनेसडे। मुझे आजकल दिन भी याद नहीं रहता, देखे ना क्या मसला हो गया है। आज है वेडनेसडे, आज है वेडनेसडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। और आज मैंने सुबह में व्लॉग अभी शुरू कर दिया। आज मेरा काम, मैं जल्दी उठ गई हूँ आज फिलहाल, तो वैसे तो लेट सोती हूँ, लेट मेरा सोने का और उठने का रूटीन नहीं है भाई, कभी भी सोती हूँ रात में, कितना भी लेट सोती हूँ कितना भी। अब देख रहे मेरा आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा कालापन हो गया, अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी मुझे ना इसका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और साथ में यहाँ देखिए आपके फैयाज भाई का मेकअप शेकअप चालू है, आप देखें, ये देखिए आपके फैयाज भाई का मेकअप शेकअप चालू है। कौन बोलता है कि जेंट्स लोग मेकअप नहीं करते या जेंट्स लोग हीरो नहीं बनते। बहुत से कमेंट, मेरे एक भाई है चैनल वाले जो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि लेडीज़ मेकअप करती है लेडीज मेकअप करती है बट जेंट्स भी करते हैं। तो देखिए फाउंडेशन वाउंडेशन लगा रहे, क्या लगा नहीं गाइस, ये वो लगाया, क्या लगा मॉइस्चर लगा है, मॉइस्चर ठंडी में मॉइस्चर लगा रहे, मॉइस्चर लगा रहे हैं, बड़े चिकने बन रहे। एक्चुअली जा रहे पता है किधर, आज गाड़ी पे ही जा रहे, बट आप सोच रहे ना यूनिफॉर्म तो नहीं आज गाड़ी पे जा रहे, तो आज यूनिफॉर्म में नहीं जा रहे। आज वो उनका भाड़ा है नाला सुपारा का, दूर का भाड़ा मिला है बाजू वाले मेनेबर को, जाना है पड़ोसी को, तो उनको लेके जा रहे। इसके लिए मेरे को बोले कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूँ, यूनिफॉर्म पहनूँ या फिर मैं घर का ही कपड़ा पहन के जाऊँ। मेरी तुम्हारी मर्जी, तुमको पता है बाहर क्या होने वाला है, पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे टीटी वाले ट्रैफिक मास्टर, वो सब तुम्हारा मसला है, मुझे मालूम नहीं, मैं बाहर नहीं आती हूँ। तो मेरे को बोले नहीं मैं पहन के जाता हूँ यही घर का कपड़ा, तो जाएंगे। एक्चुअली मेरी ससुराल भी लाला सुपारे में है, तो जाएंगे थोड़ा, मेरे ससुराल भी जाएंगे थोड़ा, अम्मी से मिलकर आएंगे, है ना बज्जू। हाँ, तो वो जो है भाड़ा जो है बाजू वाले का रिटर्न भाड़ा है, तो मैं बोले जब नाला सुपारा जा ही रहे हो तो फिर अम्मी से भी मुलाकात हो जाएगी, अब्बा से भी मुलाकात हो जाएगी। कौन सी आंटी आ गए, अच्छा बाजू की आंटी आ गए, ओहो अच्छा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग, खैरियत ही होंगे, बहुत ही खैरियत होंगे। तो मुस्कुराहट आती है क्या नहीं मेरे आने से आपको, और मेरी इंग्लिश टूटी फूटी सुनने से आपको तो बहुत हंसी आती होगी। तो सोचते रहेंगे फयाज भाई टूटी फूटी बोल के भी बोले लाइन गाड़ी पटरी पे बराबर ला लेते हैं, तो बाजी बोलती है आपकी टूटी फूटी पे तो लोग हंसते नहीं है, बोलते रोते है बोलते इनकी इंग्लिश सुन सुन के मेरा सर फक गया है, इनकी इंग्लिश खत्म नहीं होती। माई को तो हंसी आती, माई बैठी है उठ के, देखे माई अभी तक है उठ के, अब भी बैठी है, जस्ट इसका होमवर्क बाकी है। अभी मेरे को बोल रही है कि मैंने 9 बजे बोली थी उठाने और तुमने उठाई नहीं, अब बच्ची सो रही थी, मेरी जाने दो सोने दो। अभी वैसे भी इसका 2 बजे के बाद ही जो भी चालू होता है ना, इसके ऑनलाइन पढ़ाई सब लोग 2 बजे के बाद ही, तो जब तक कर लेगी अपना। बराबर सही बात। तो आपके फैयाज भाई को लेट हो रहा है शायद, कुछ बोलेंगे फैयाज भाई, मेरे फैयाज भाई नहीं, इन लोग के फैयाज भाई। मैं ये कह रहा था कि आप लोग हम लोग की वीडियो देख के बोर तो नहीं होते होंगे ना, अगर थोड़ा बहुत भी तो सॉरी यार, क्या करें क्यों कि बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है गाइस, और थोड़ा ये बिजी बच्चे लोग की पढ़ाई ये सब देख के चलना पड़ रहा है थोड़ा, तो इसलिए प्लीज़
आप घर का व्लॉग देख के ही आप प्लीज लाइक जरूर दीजिए और बाहर का व्लॉग नहीं आ रहा इंशाल्लाह, आपकी बाजी को दुआ जरूर दीजिए और कोशिश होगी कि जब तक इनकी पढ़ाई हुए तो हम भी आए और बाहर का घूमने का अच्छे से अच्छा व्लॉग डालने की बहुत कोशिश करेंगे। नहीं नुमेर की पढ़ाई चालू है ना 10th की, तो निकल नहीं पा रही हूँ बाहर में, क्योंकि संडे के दिन भी उसकी ट्यूशन रहती है आधा दिन, है ना, मॉर्निंग में ट्यूशन रहती है और फिर शाम में वो स्टडी करता है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। तो अभी जरा उसकी 10th हो जाए ना उसके बाद में थोड़ा सा, और अभी तो फिलहाल सोच रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए बाहर भी नहीं निकले, माँ ही बहुत गए संडे को भी, माँ ही रो रही थी। फिर भी चलिए गाइस, मैं एक बात कहूँगा कि अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है और बंदे जो खड़े हैं बाहर इसकी वजह से, तो ये आपके भैया को लेट हो रहा है बाहर आ गए, चलो आप जाए टाटा टाटा बाबा करे टाटा, इसलिए मैं खुदा हाफिज बाय बाय अल्लाह अल्लाह बाय। आपके भैया भाई तो निकले और संभाल के जाओ और आराम से गाड़ी चलाना, सुन रहे क्या, तुमको डांस करने नहीं बोली, संभाल के जाना, ओ संभाल के जाके आओ, मुझे फोन करो कुछ और आराम आराम से जाना, ट्राई नहीं करना, ठीक है, चलो दरवाजा बंद कर दो बेटा, दरवाजा बंद करो, माई जल्दी जाके फ्रेश हो जाओ बेटा, अंदर आ पूरी धूप आ रही बच्चा। तो आपके फैयाज भाई निकले, अभी मैं जा रही हूँ पकाने के लिए, आज जल्दी पकाऊंगी क्योंकि नुमेर अभी स्कूल से आया नहीं, 1 बजे आ जाएगा। और आपको एक चीज़ दिखाना था, मैं दिखाती हूँ, ये देखें चोकोस, अब आप सोच रहे हैं चोकोस, आप बाजी और चोकोस क्यों दिखा रहे हैं, देखो एक्चुअली ना ये सामने एक भाई रहते हैं और वो होलसेल का उनका है बिजनेस सेलर का, तो बस उनको मैं ऐसे ही मैंने उनको पूछा कि होलसेलर में अगर चोकोस आपके पास है तो दे दो मुझे, होलसेल में चाहिए पूरी पैकेट चाहिए, क्योंकि माई को लगता है ना कभी कभी खाते रहती है, तो मैंने सोचा कि लेके रख लूँगी, तो फिर से आ गए। हाँ, बाल बनाए नहीं मैंने, ये देखो इनके नाटक, अल्लाह अकबर, बाल बनाने आए, देखो ये देखो बनाता। ये देखो बाल बनाने आए, क्या कर फैज, वैसे भी बाल नहीं है, क्या बना के करते तुम, क्या करे फिर भी बनाता, जो नहीं है वो बाल को तो छुपाओ बालों से। अरे अल्लाह, मैं तो सोचती तुमको फुल टाइम टकला ही कर दूं। नो, तो फिर पब्लिक अनुपम खेर बोलेगी, अनुपम खेर तो क्या हुआ, अनुपम खेर भी हीरो है, हीरो मैं तो रजनी खान, हीरो है अनुपम खेर, मैं तो रजनी खान, हाँ वैसे करो टकले पे फिसल गुंडी करेंगे ना, स्लाइडिंग करेंगे। अरे न्यू एयरलाइंस तो मैं अपने सर पे खोल लूंगा गाइस, टेंशन नहीं, जितने भी लैंडिंग करना रहेगा मेरे सर पे कीजिए, हां लैंडिंग सर पे करो, न्यू एयरपोर्ट आपके फैयाज भाईजान का, न्यू एयरपोर्ट सो ओके, चलो बाय बाय। अरे ध्यान में पूरा यहीं खड़े रह के जो भी तुमको याद करना है ना अभी खड़े कर लो। एक एक चीज याद होती है उनको, आती है एक एक चीज याद होती है, अभी बाल बनाने आप क्या करने आएंगे पता नहीं इनका, इसी हाँ तो मैं कहाँ पे थी, देखिए मेरे को बुला दी आपके फैयाज भाई ने, तो मैं थी ये चोकोस पे, तो मैं बोल रही थी भाई जो रहते हैं ना उनको मैंने पूछा कि मेरे को होलसेल में चाहिए चोकोस पूरा डब्बा नहीं चाहिए, मतलब मैंने बोला उनको एक बाटली भी होगी तो चलेगा, उसमें कम से कम 20-25 होंगे तो चलेगा, तो उन्होंने मुझे बोले कि हाँ एक काम करो भाभी रुको करके, फिर अंदर से इतना सारा ला के दिए मुझे, कम से कम 7 है ये, 7 मुझे ला के दिए, बोले ये ले लो, तो मैं बोले अच्छा ठीक है लाओ दे, साथ ही है, मैं बोले अभी साथ है बाद में देता हूँ, तो मैंने उनको पूछी कितना हुआ इसका, तो मेरे को बोलते नहीं भाभी रखो, मैं बोली क्या वो बोलो ना इसका कितना हुआ, तो मेरे को बोलते नहीं भाभी रखो ये सैंपल पीस था, वैसे भी आप रखो बच्ची को खिलाओ। तो देखिए हमारे पड़ोसी है, क्योंकि पड़ोसी, तो ये हमको मिला है गिफ्ट, ये चोकोस हमको मिला है गिफ्ट, तो मैंने उनको थैंक यू बोला, बोले वेलकम भाभी, मैं लाऊंगा तो दोबारा दे दूंगा। तो चले अभी माई को तो चोकोस साथ मिल गया, अभी मतलब ये खाएगी अपना मस्त में, और मैं जा रही हूँ मेरा और खाना बनाने के लिए, क्योंकि नुमेर 1 बजे आएगा, तो उसके पहले मैं खाना फटाफट रेडी कर लेती हूँ, और मैं बनाने जा रही हूँ आज बिरयानी। आप सोच रहे हैं बिरयानी बना रही है मदीना और आपके फैयाज भजन तो नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बिरयानी नुमेर 2-3 दिन से मेरे को बोला था मम्मा बिरयानी बनाओ ना, उस दिन पुलाव बनाई थी ना, तो मैंने बोला चलो आज बना देती हूँ फटाफट बिरयानी, और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, ज़्यादा मेरे से नहीं होगा, देखो ज़्यादा बनाऊँगी तो ये होता है, ये देखें आपने ये चटका, ये उस दिन प्लाव बनाई थी ना नियाज के टाइम पे, तो ये इतना बुरा चटका मुझे लगा था, मैं आपको बता भी रही थी ना, और ये ओरिजिनल है, ये फेक नहीं है ये ओरिजिनल चटका, ये फेक नहीं है। तो इसके लिए अभी मैं सिर्फ 1/2 किलो की बिरयानी, अभी फैयाज भाई को आपको आपके भाईजान को मैंने बोली तो मुझे पहले ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि वो तपेली में ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे तकलीफ होती है,
मैंने बोली सिर्फ आधा किलो की बनाती हूँ, तो बोले अच्छा ठीक है आधा किलो की, या तो फिर ज़्यादा ज़्यादा पौना किलो कर दूंगी, क्योंकि दो टाइम खाए जैसा हो जाएगा, थोड़ा फूफू को भी भेजूंगी ना, तो हो सकता है आधा किलो की बनाऊंगी। तो चलो फिर हमारी बिरयानी बनाती हूँ और आपको रहना है मेरे साथ, और अम्मा बिल्कुल नहीं जाना है, और मेरा किचन पहले साफ़ करती हूँ उसके बाद में टैन, तो मेरे साथ में रही जब तक के लिए, बाय। तो चले फिर बिस्मिल्लाह बोलते हैं और हम चलते हैं हमारी बिरयानी बनाने के लिए। तो बहुत टाइम के बाद मैं बिरयानी बना रही हूँ, मैं बहुत दिनों उससे मैंने बनाई नहीं थी, तो चले। और वैसे भी मेरी बिरयानी मेरे से जल्दी जल्दी बन जाती है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे। हाँ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगी तो बहुत टाइम लगता है, बट अगर मैं आधा किलो की बनाऊँगी तो हो जाता है। तो मैंने आज आधा किलो नहीं, मैंने पौने तीन गिलास, मतलब आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है, और गोश्त मेरा आधा किलो है। तो मैंने आपको बोला वैसे भी ज़्यादा गोश्त लगता नहीं है, तो आधे किलो में हम लोग की फैमिली है, कितनी छोटी सी फैमिली है, एक बेटा एक बेटी है, हम दोनों मियाँ बीवी, हम दो हमारे दो, तो बस थोड़ी सी बिरयानी भी हम दोनों को, चारों को आराम से दो बार खा के तीसरी बार भी बचती है, तो ऐसा नहीं कि दो बार में ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी आज आपके फैयाज भाई जन तो है ही नहीं, तो वो तो मम्मी के वहाँ पर गए हैं, तो दोपहर का खाना तो वैसे भी नहीं खाएंगे, तो ये बिरयानी तो हम दोपहर में खाएंगे, रात में खाएंगे, और कल के दिन दोपहर में भी हो जाएगी, तो वो हिसाब से। और क्या ना, सुबह के टाइम पे अगर नाश्ता कुछ ना हो ना, तो मैं क्या करती हूँ पता है, बिरयानी ही गर्म करके खा लेती हूँ, या अगर पुलाव होगा तो पुलाव गर्म करके खा लूँगी। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मुझे मीठा मीठा पसंद नहीं है, सुबह नाश्ते में मुझे तीखा चाहिए, और अगर बिरयानी सुबह नाश्ते में मिल जाएगी तो मुझे तो और मज़ा आती। मेरे मरहूम अब्बा को बहुत पसंद है, मेरे अम्मी हमेशा बोलते थे मुझे ये चीज़ कि पूरी अब्बा पे गई है, क्योंकि मेरे अब्बा का भी ऐसा था, अगर घर में सुबह में अगर बिरयानी मिल जाएगी ना उनको नाश्ते में, जैसा रात की रखी हुई, जैसा एक दिन पहले बनाएंगे और वो रखी हुई रहेगी, तो सुबह नाश्ता मेरे अब्बा भी बिरयानी करते थे, और मैं भी वैसी हूँ मेरे अब्बा के जैसी, सुबह में भी मुझे नाश्ते में बिरयानी अगर मिलेगी तो मैं नहीं छोड़ूंगी, पुलाव भी मिलेगा तो नहीं छोड़ूंगी, और अब्बा भी ऐसे थे, तो बस अब्बा जैसी हूँ मैं, अब्बा मेरे जैसे नहीं, अब्बा मैं अब्बा की जैसी थी। और अल्लाह मेरे मरहूम अब्बा को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, और बस मेरे अब्बा की हर गलतियों को माफ़ कर दे, गुनाह को बख्श दे। मेरे अब्बा के लिए मेरे दिल से दुआएं हमेशा निकलती है और हमेशा निकलती रहेगी। तो चले फिर अभी मैं जा रही हूँ अपनी बिरयानी की तैयारी। तो देखिए मसाला मैंने ऑलमोस्ट मैंने बना दिया, मेरा इसी है, मैं सब कुछ मसाला रेडी कर लेती हूँ, तो आखिर में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को सिर्फ कांदा, टमाटर और बटाटा, और जो ग्रेवी के लिए मुझे कांदा चाहिए रहता, बस ये चार आइटम मुझे आखिरी में तैयार करना होता, और मैं पहले ही मैरिनेट करके रख देती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होता, डायरेक्ट डाल देती हूँ, बाकी कुछ मुझे फिर मसाले अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखें ये मेरा हो गया है मसाला रेडी, तो अभी चले मसाला रेडी होता है और फिर मैं काटूँगी कांदा वगैरह सब कुछ, बाकी तो आप देखते रहिए और मेरी बातें भी सुनते रहिए। तो चले फिर, जैसे कि आपको पता है आज मेरे आपके सॉरी आपके फैयाज भाईजान गए हैं, उनके अम्मी के वहाँ पे गए, मतलब मेरे ससुराल गए हैं, तो जब ससुराल की बात आई गई है तो चले थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं ससुराल के बारे में। आज वैसे तो बहुत चटपटी बातें होती रहती, लेकिन आज मैं बात करूँगी मेरे बारे में, ससुराल के बारे में मेरे, क्योंकि बहुत मेरे ऐसे सब्सक्राइबर है जो मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं शेयर करूंगी यार आप लोगों को, मेरी बहन मेरे भाई लोग बिल्कुल नहीं, आप लोगों से कुछ नहीं छुपाऊंगी, तो इंशाल्लाह सब शेयर करूंगी। तो आज बात करेंगे हम अपने ससुराल के बारे में। तो हाँ, किसी ने मुझे एक कमेंट में भी ये पूछा था कि आप अपनी आप ना ही अपनी अम्मी के वहाँ पे रहते हो ना हमने, और ना अपने ससुराल में किसी को दिखाए हो, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी को नहीं दिखाई, ससुराल में मैं दिखा चुकी हूँ, मैं अभी नहीं गई थी बट काफ़ी टाइम हुआ मुझे ससुराल गई थी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं 2 घंटे दूरी पे हूँ, तो वो वजह से मैं ज़्यादा नहीं जाती। और रही बात अम्मी की, तो अम्मी के वहाँ भी नहीं जाती ज़्यादा, कभी कभी जाती हूँ तो मिल लेती हूँ, तो वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं जाती ऐसे, तो कॉल पे बात हो जाती है। और बाकी तो ये है कि जो ससुराल वाले हैं उनके साथ तो मैं नहीं रहती। और मैं आपको ये भी क्लियर एक बात आज मैं आपको एक क्लियर बात कर बताऊंगी कि मैं जब से आपके फैयाज भाईजान से मेरी शादी हुई ना, मैं तब से ना ही मेरे माँ बाप के घर में कभी एक दिन भी रही हूँ, और ना मेरे ससुराल में कभी मैं एक दिन की रही हूँ, ठीक है। हाँ अगर फंक्शन होती तो वो बात अलग हो जाती कि फंक्शन के लिए जाते तो रुकते, बाकी ऐसा बहरहाल ऐसा मैंने कभी एक दिन भी नहीं रुका है वहाँ पे। मैंने शादी किया जब से हम दोनों ही अलग रहते, आपके फैयाज भाई मैं हम दोनों ही अलग ही रहते, आज तक भी 17 साल हो गए हम लोग अलग ही हैं, जब से हमारी शादी हुई हम लोग अलग ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके फैयाज ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे संभाला है, और मैंने भी आपके फैयाज भाई को संभाली हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं संभाली बात, मैंने भी आपके फैयाज भाई को बहुत अच्छी तरीके से संभाली हूँ। और दूसरी बात ये कि हाँ मैं नहीं रहती मेरे ससुराल में, मेरे को कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि वो आपके अपने ससुराल वाले ने आपको नहीं एक्सेप्ट किया था, मुझे ऐसा भी एक कॉमेंट आया था, जो मुझे मेरा बहुत दिल दुखता है जब ऐसा कॉमेंट आता है कि एक्सेप्ट नहीं किया था, तो यार
एक्सेप्ट की बात तो ऐसी हो गई कि नॉर्मल लोगों को भी, जैसे नॉर्मल होते हैं ना, उन लोगों की भी बीच में बहुत प्रॉब्लम आती है कि बहू को एक्सेप्ट नहीं करते. तो मैं तो फिर हैंडीकैप हूँ तो मुझे कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे. जब नॉर्मल लोग के घर में ही ऐसा हो जाता है कि जब लव मैरिज होती है तो नॉर्मल बहू भी रहती है तो हो जाता है कुछ ना कुछ ऐसी बातें कि एक्सेप्ट नहीं करते. तो फिर मेरी तो बात ही अलग है. जब आपके फैयाज भाई ने मुझसे शादी की तो मैं तो हैंडीकैप हूँ, तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ कि मेरी ससुराल वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे. तो हाँ, नहीं एक्सेप्ट किए थे मुझे, बिल्कुल नहीं किए थे, क्योंकि मैं हैंडीकैप थी. और दूसरी चीज़ है, उनके नज़रिए से अगर मैं देखूँ, मेरे ससुराल वालों की नज़र से अगर मैं देखूँ तो वो अपनी जगह भी ठीक थे, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे के लिए कोई हैंडीकैप बहू नहीं लेकर आएगी. और हो सकता है कि, हो सकता है नहीं, जब पता चलता है कि हमारा बेटा किसी ऐसी लड़की को पसंद कर रहा है जो चल नहीं सकती है, जो उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकती है, तो जाहिर सी बात है कोई भी माँ यही सोचेगी कि नहीं मत करो. तो बस उस टाइम पे हमारे साथ भी ऐसे कुछ हुआ था, जो मेरी सास नहीं तैयार थे, ना मेरे ससुराल, मेरे ससुर जी तैयार थे मेरे से शादी करवाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं तैयार थे. तो बहरहाल उनकी नज़र से वो लोग ठीक थे कि चलो ठीक है उन लोग की नज़र से. बट मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे तरफ से अगर देखा जाए तो मेरा उस वक्त ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर अगर फयाज के लिए मुझे सबके सामने एक्सेप्ट कर लेते तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि मेरी जो सास है उनके 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, जैसे कि उनके 6 बच्चे हैं आपके फयाज भाई जन को मिला के. और जो आपके फयाज भाई है ना वो सबसे बड़े हैं, तो उसके लिहाजा मैं उनकी सबसे घर में सबसे बड़ी बहू हूँ. तो मैं ये सोचती थी उस टाइम पे कि अगर आपके पास में 4 बेटे हैं तो अगर आपका कोई बड़ा बेटा अगर किसी ऐसी लड़की के सर पे हाथ दे रहा है जिसको ज़रूरत है, तो आप अगर ये चीज़ में अगर आप अग्री हो जाएंगे तो इसका इसाले सवाब आपके बेटे को और आपकी फैमिली को ज़रूर मिलेगा. मेरा ये मानना था, क्योंकि आपके उनके पास में जो मेरे सास के पास में और 3 बेटे थे, तो मैं ये सोचती थी कि अगर एक बेटा आपका ऐसी लड़की से शादी कर रहा है तो बाकी के 3 बेटे आपके पास में उनके पास में थे, तो वो बाकी के 3 को 3 की शादी वो अपनी मर्ज़ी से और एक पैर वाली बहू लेकर आके अपने सपने जो पूरे कर सकते थे, भले अगर वो पहले बेटे की ना कर सके. तो मेरे उस वक्त वो थिंकिंग थी, और मैं ये चीज़ बोलती भी थी आपके फयाज भाई को कि अगर आपकी अम्मी नहीं तैयार है तो फिर आप जैसा है आप देख लो करके. लेकिन आपके फयाज भाई ने ये जो मेरा हाथ थामा उस वक्त, जो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझसे करना है तो करना ही है, और बस क्योंकि वो तैयार थे और सब, बस उनका ऐसा था कि मैं तैयार हूँ, मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ, तो मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि निभाना तो आपके फयाज भाई को मेरे साथ में था. और बस ऐसा मेरा कुछ थिंकिंग था. बट बाद में शादी के बाद में बस चीज़ें सुधरती गई, और नुमेर आने के बाद में बहुत चीज़ें सुधर गई. हो जाता है ना स्टार्टिंग में, हर कोई ऐसा कुछ नया नहीं हुआ था हमारे साथ जो लव मैरिज में होता है. लव मैरिज में ऐसी ही होता है, पेरेंट्स राज़ी नहीं होते, और स्पेशली जब बहू हैंडीकैप हो तो कैसे राज़ी होंगे. ये मैं मेरी सास की एक तरफ से भी मैं बोलूँगी कि मेरी सास का उस टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू सही था कि वो कैसे एक्सेप्ट करते मुझे. तो ये मैं समझती हूँ मेरी सास की बात भी कि वो नहीं कर सकते थे मुझे एक्सेप्ट. बस कोई नहीं, बाद में सब चीज़ें अच्छी हो गई जब हम लोग की शादी हो गई. और हमारी शादी लव मैरिज है, तो हमारी शादी कोई बड़े लोग ने मिलके नहीं कराया. हम लोग की शादी किसी ने नहीं मिलके कराया, हम लोग ने किया है. तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी कि कैसे हम लोग ने शादी किया था, क्या हुआ था, निकाह हमारा कैसे हुआ, और कैसे कैसे सब कुछ बताऊँगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में. एक दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी उसमें बताऊँगी. फाइनली शादी हो गई, और नुमेर आने के बाद में चीज़ें बहुत अच्छी से सुलझती गई. और ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरे ससुराल वाले नाराज़ थे, इनफैक्ट मेरे माँ बाप भी बहुत नाराज़ थे. मेरे अब्बा मेरे अम्मी बहुत मेरे से नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा, कि मेरे अब्बा मुझसे बात करना छोड़ दिए थे. हाँ, मेरे अब्बा ने कब बात की पता आपको मेरे से? मेरे अब्बा ने जब नुमेर आया ना, बस नुमेर मेरी गोदी में आया और मेरे अब्बा ने मुझसे बात करना शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे अब्बा भी बहुत नाराज़ थे कि नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके घर की मैं बड़ी बेटी थी और मैंने ये कदम उठा लिया था. और उस वक्त सारे लोगों ने हम लोगों को गलत बोला कि गलत किए, बहुत लोगों ने उंगलियाँ उठाई, बहुत लोगों ने बोला कि गलत है. बट आपके फयाज भाई ने मेरा इतना साथ दिया, और मैंने भी आपके फयाज भाई का बहुत साथ दिया. कहते हैं ना कि कंपेबिलिटी दोनों तरफ से होना चाहिए, अगर दोनों तरफ से तालमेल सही से नहीं बैठेगा ना तो वो लाइफ जाएगी नहीं सही से. अगर मैं उस जगह पे थोड़ा से भी मैं कम हो जाती तो शायद इतनी अच्छी लाइफ नहीं होती, या अगर आपके फयाज भाई कम ज़्यादा हो जाते तो ये लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती. तो बस मैं यही बोलूँगी, हम दोनों ने दूसरे का साथ इतना अच्छा दिया कि आज सबका मुँह बंद हो गया, आज कोई नहीं हमको बोलेगा कि हमने गलत किए. क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो ये लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती. शायद आपके फयाज भाई ये चीज़ मानते हैं कि मदीना तुम्हारे सिवा मैं शायद किसी के साथ में खुश नहीं होता, और मैं भी ये चीज़ मानती हूँ कि फयाज के सिवा मैं किसी और के साथ में खुश होती ही नहीं, और शायद मेरी भी पता नहीं कैसी ज़िंदगी होती.
थी। तो बस हम लोग दोनों बस एक हैं और मेड फॉर ईच अदर है बस। ये अल्लाह कहते ना कि जोड़ियाँ ऊपर बनाई जाती है, तो हमारी जोड़ी तो वाकई में अल्लाह ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। हमारी जोड़ी ऊपर से बनकर आई है और अल्लाह का साथ हमेशा रहेगा। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना तो ये जोड़ी नहीं टूटेगी। अगर ये जोड़ी कोई तोड़ सकता है ना तो सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के सिवा तो कोई भी नहीं। और बाकी मैं ये भी बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपके फैयाज भाई के लायक नहीं थी, सिर्फ अल्लाह ने मेरे से पैर लिया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर लहजे से हर तरीके से मैं एक परफेक्ट वाइफ हूँ। मैंने एक जो परफेक्ट वाइफ का एक फ़र्ज़ होता है मैंने हमेशा वो अदा किया है और एक परफेक्ट वाइफ हूँ। और अल्लाह ने मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएशन पढ़ी हूँ, 15वीं पढ़ी हूँ, मैंने ग्रेजुएट किया है और पढ़ाई में भी मैंने स्टडीज़ भी कंप्लीट किया। हर लहजे मैं अच्छी भी दिखती थी, उस टाइम पर भी अच्छी दिखती थी, अभी तो पता नहीं मुझे उस टाइम पर मैं अच्छी भी दिखती थी। ऐसा नहीं कि मैं आपके फैयाज़ भाई के लायक नहीं थी, सिर्फ एक कमी थी मेरे पास, जो मेरे पास पैर नहीं थे। वो कहावत है ना कि लाख अच्छाई हो बट एक बुराई की वजह से वो अच्छाई सब दब जाती है। तो बस यही हो गया था मेरे साथ कि एक कमी की वजह से शायद लोगों ने मुझे उस टाइम पे उस लायक नहीं समझा, आपके फैयाज़ भाई के लायक नहीं समझा। तो बस ये चीज़ हो गई थी। और दूसरी चीज़ मेरे घर वालों की तरफ से भी, मेरे घर वाले भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, क्योंकि आपके वो लोग तैयार नहीं थे, आपके फैयाज़ भाई के घर से कोई तैयार नहीं था। बाकी तो बस जैसे भी है वैसे जैसे वैसे वैसे जैसे वैसे बस चल गई गाड़ी हम लोग की और फाइनली निकाल लिए यार। 17 साल निकाल चुके एक दूसरे के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं ये मेरे ससुराल वाले के बारे में एक ही बात बोलूँगी कि अभी इस वक्त मैं मेरी सास के अंदर ना अपनी माँ को देखती हूँ। सच बोल रही हूँ और ये बहुत दिल से मैं बोल रही हूँ कि मेरी सास के जैसी सास हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सांस है कि कभी उन्होंने मेरे से ना ही चिल्ला के बात की। ये मैं आपको दिल से बोल रही हूँ, ये सिर्फ कैमरे पे नहीं बोल रही हूँ कि लोगों को दिखाने के लिए। मेरी सांस वो सांस है कि कभी उन्होंने मेरे से कभी चिल्ला के बात नहीं की, कोई भी चीज़ के लिए नहीं। सिर्फ वो मुझे बेटा 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 बोलकर ही उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उनकी दुआएँ हैं जो मैं आज तक उनके बेटे के साथ में निभा रही हूँ। बस मेरे अल्लाह मेरे सास ससुराल वालों को ऐसे ही खुश रहे, मेरी दुआएँ हमेशा उनके साथ है। तो चले बिरयानी गाइस, फाइनली हो गई हमारी बिरयानी तैयार, मीन्स दम पे रख दिया मैंने। यहाँ देखे बस अभी 5 मिनट मेरे ख्याल से गर्म हो गया ऑलमोस्ट। मैं अभी इसको गैस को बंद कर दिया। हाँ यार बंद कर दी मैंने, तो गैस को मैंने बंद कर दिया, मेरा दिमाग ही नहीं गैस को बंद कर दिया और हो गई बिरयानी तैयार। और बस अभी नुमेर आता ही होगा, नुमेर का ही वेट कर रही हूँ मैं होना, तो अभी तक तो आ जाना चाहिए। माही यहाँ पे है, माही माही अपना होमवर्क कर रही है, ये देखें होमवर्क कर रही थी बैठ के। तो चले तो ये देखें नुमेर भी आ गया, देखें मैं बात कर रही हूँ और ये टपक गया। मैं बोली ना सर टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। हेलो गाइस, क्या है भाई ये? बुक बुक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? ये देखिए आया स्कूल से, अब ये क्या लेकर आया अभी? सर बुक। हाँ और क्या, ये चीज वगैरह, ये देखो ये चीज लेकर आया, ये बुक लेकर आया। बुक के साथ चीज फ्री मिली? हाँ देंगे स्कूल वाले, फ्री देंगे स्कूल वाले, देंगे फ्री। अभी मैंने इसका 850 रुपये कल ही भरी मैंने एक्स्ट्रा, खाली ऊपर की एक्टिविटीज का पाया बुक पैसा देना तो 850 रुपये कल ही भर के आए फयाज ने। और अभी इसका एक्स्ट्रा भी पैसा, कुछ लोग 5000 पूरा मांग रहे बोर्ड के पेपर के लिए, 5000 स्कूल का, वो भी बाकी है भरने का, 5000 भरने बाकी है। अभी तो फिलहाल मैं स्कूल की फीस ही क्लियर कर रही हूँ लोगों की, और बोर्ड के पेपर के लिए भी पैसा भी बाकी भरना। अभी लोग ने 850 रुपये लिए वो अलग, पहले बोले थे कि 5000 में सब कर देंगे, तो अभी 850 रुपये भी लिए और वो 5000 तो बोले अलग ही है, बोले बोर्ड के पेपर के लिए वो पैसा भरना है। देखेंगे, हमारे टाइम पर तो इतना नहीं था बट अब क्या करेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हर चीज़ बढ़ रही है। और ये मैं तो यही बोलूँगी लॉकडाउन में थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा संभल के चलना था, हालांकि लॉकडाउन खुल गया है बट अभी फिर भी सिचुएशन अभी बराबर ठीक नहीं है, तो इन लोगों को थोड़ा चाहिए था कि हर चीज़ को कम करें, लेकिन फीस तो इन लोगों ने 1 रुपया भी कम नहीं किए, जो थी बस वैसी ही है पूरी फीस ली है। और दोनों की, नुमैर की स्कूल की भी और माई की स्कूल की भी, क्योंकि दोनों की स्कूल अलग अलग है ना, माई अलग जाती है और नुमैर अलग जाता है, दोनों की स्कूल में नहीं है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता, क्योंकि मैं जब जोगेश्वरी में रहती थी तो इन लोगों को यहाँ पे लेकर आके माई को एक स्कूल में एडमिशन करवाई, वहाँ पे नुमेर का एडमिशन बोल रही थी तो नुमेर को नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये जब ही 9th स्टैंडर्ड में था, मैंने 9th स्टैंडर्ड में यहाँ पे न्यू एडमिशन करवाई इसका 9th स्टैंडर्ड में, तो सिर्फ 2 साल के लिए मुझे कराना पड़ा। और माई की जो स्कूल है वहाँ पे एडमिशन नहीं ले रहे थे, हाई क्लास को नहीं लेते। माई तो सीनियर, माई तो आई थी जब सीनियर केजी में गई थी, है ना नुमेर इन सीनियर केजी, क्या फर्स्ट में सीनियर के, नहीं फर्स्ट में एडमिशन कराए, गए साल तो कराए पागल, फर्स्ट स्टैंडर्ड में कराया उसका एडमिशन, अभी सेकंड स्टैंडर्ड में, तो 2 साल माई नुमेर का एडमिशन कराया था 9th में, अब नुमेर 10th में, है ना नुमेर, 2 साल हुआ। नुमेर का भी फाइनल ईयर है, नुमेर स्कूल से नहीं हो जाएगा नुमेर का, लेकिन फाइनल ईयर है, बट वो स्कूल में भी 11th 12th भी है, मुझे भी मालूम पड़ा तो मैं तो बहुत खुश हो गई, चलो अच्छी बात है।
स्कूल से निकालने की जरूरत नहीं, जूनियर कॉलेज भी वही स्कूल में है, तो 11th और 12th भी नुमेर का उधर ही हो जाएगा। तो मैं इसको अभी कहीं भी शिफ्ट नहीं करने वाली, वही स्कूल में इसको कंटिन्यू कराऊंगी। फयाज भी मेरे को बोले वही स्कूल में हम लोग को कंटिन्यू कराएंगे। और माई की रही बात माई की, तो अभी सेकंड में अभी देखें अनाउंस तो हो रहा है कि स्कूल चालू होने वाली है, बट पता नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा कि चालू होंगी, क्योंकि अभी एक और एक कुछ तो अभी बातें निकल रही है कि और एक कुछ बीमारी और आई है, अल्लाह खैर करे। बस कौन सी उम्मीद, नुमेर भी बोल रहा था मुझे, मम्मा एक और एक बीमारी आई है, और नुमेर फयाज भी बोल रहे थे थोड़ा सा स्ट्रिक वापस हो रहे, क्या करेंगे, अल्लाह ही खैर करे और सबकी हिफाजत करे, जैसा ये कोरोना से अभी तक बचा के रखा है बाकी। और जो जो लोग चले गए उन लोगों के लिए तो दिली अफसोस है कि उस टाइम पे जो जो चले गए, बट अभी आके की सिचुएशन में बस अल्लाह सबकी हिफाजत करे, सारे इंसान, सारे मुसलमान हो या कोई भी हो, बस सब की हिफाजत करे, सारे इंसानों की हिफाजत करे, मैं यही बोलूँगी। तो चले अभी ऑलमोस्ट मेरी बिरयानी रेडी है, अब इसको मैं निकालती हूँ और नुमेर को पहले देती हूँ। नुमेर खाना पहले खा लेगा, नहा ले पहले, फटाफट नहाएगा, हालांकि सुबह नहा के जाता है, सुबह नहाता है ये ठंडी में, सुबह सुबह उठ के नहाता है गर्म पानी करके, अभी ये फिर नहाएगा क्योंकि अब गर्म बहुत हो रहा है, रात में ठंडी लगती है दिन में गर्म होता है। तो बिरयानी निकालती हूँ, मैं निकाल दूँ बेटे बिरयानी, बिरयानी बनेगी, बिरयानी बनेगी, बिरयानी बोला पहले वाला बिरयानी, अब बोलता पुलाव, बच्चे लोग का ऐसी है देखिए ना, जब जो बोलेंगे बना देंगे ना तो फिर ऐसा। तो अभी क्योंकि मेरे बोला मैं सोची थी निकाल देती हूँ कि ठंडी हो जाएगी थोड़ा सा जब तक नहा लेगा, लेकिन ये भी ना इसको नहाने के लिए बहुत टाइम लगता है, याद पूरा 15-20-25 मिनट लगाता है, लेडीज़ लोग लेट लगाना चाहिए तो ये जेंट्स रह के लेट लगाता है, ये बहुत लेट नहाता है ये। तो अब इसको नहाने दो, लेकिन मैं जल्दी नहा के निकलना बेटा क्योंकि थोड़ा सा आराम कर लेना क्योंकि अभी ट्यूशन भी है उसकी। तो फिर इसको आने दो, फिर निकालती हूँ बिरयानी, जब तक के लिए बाय। तो यहाँ पे नुमेर का नहाकर हो चुका था और मैं बस नुमेर के लिए खाना निकाल रही थी कि खाएगा ट्यूशन जाएगा बच्चा फटाफट। तो यहाँ पे मैंने मेरी तपेली नीचे उतार रही हूँ और उसके बाद में मैं गरम गरम, गाना बहुत गरम है तो मैं खाना गरम गरम निकालूंगी। मज़ेदार खुशबू आ रही थी, बड़ी मज़ा, बड़ा ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी मेरी, और मैं जितना कम बनाती हूँ उतना बहुत डिलीशियस बनता है, जितना ज़्यादा बनाती हूँ उतना मुझे समझ में नहीं आता, तो मुझे कम बनाने की आदत है, थोड़ा बनाने की आदत है, तो बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी। तो चले फिलहाल ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करूँगी और ये जो होगा व्लॉग आज का वो कंटिन्यू व्लॉग होगा, सेकंड पार्ट आपको मिलेगा कल, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था जिसकी वजह से मुझे दो पार्ट में करना पड़ा। तो जो कल का ब्लॉग आपको मिलेगा उसमें मैं मेरे ससुराल की थोड़ी सी क्लिप ऐड करूंगी, जो आपके फैयाज भाई गए थे ससुराल में मेरे, तो उन्होंने थोड़ी सी क्लिप लेकर आए हैं, तो उसमें मेरी सासू माँ को दिखाऊंगी और थोड़ी सी आपके फैयाज भाई को भी दिखाऊंगी। और साथ में आने के बाद में आपके फैयाज भाई ने बहुत गप्पे शप्पे मारे थे मेरे साथ में, यार ऑब्वियसली मेरे साथ में मारे थे, और वो भी बहुत आपको, आप बहुत इन्जॉय करोगे, कल का ब्लॉग भी आप ज़रूर पूरा देखना। तो चले फिर आज का ब्लॉग एंड करूँगी, मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब मेरे चैनल और घंटा बटन दबा देना और साथ ही में शेयर ज़रूर कर देना। तो चले फिर ये ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ, जब तक कि दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।